हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैजेट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड हेल्थ टिप्स में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक है रेगुलर माउथ वॉश से कैंसर का खतरा है, अगर आप भी करते हैं इस्तेमाल तो सावधान होने का समय आ गया है। क्या आप रेगुलर माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाए। हाल ही में हुए एक शोध में दावा किया गया है कि लिस्ट्रीन कूल मिंट माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। माउथ वॉश इस्तेमाल करने वाले ध्यान दे, एक नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जर्नल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि रोजाना माउथ वॉश को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि माउथ वॉश से मुंह में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया पहले से ही मसूड़ों की बीमारी, ग्रास नाली के कैंसर, पेट के कैंसर और शरीर की अन्य बीमारियों से जुड़े हुए माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक मसूड़ों की बीमारी और शरीर की अन्य बीमारियों के अलावा माउथ वॉश से ग्रास नाली के कैंसर और पेट के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। मुंह की सेहत का सीधा संबंध शरीर में कैंसर। अच्छी मुंह की सफाई ना करने से मुंह में संक्रमण और मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, जिससे मुंह में लगातार सूजन की समस्या रहती है। ये सूजन कैंसर का एक जाना माना रिस्क फैक्टर है। शरीर में सूजन की प्रक्रिया सेल्स में बदलाव और म्यूटेशन ला सकती है, जिससे कैंसर हो सकता है। मसूड़ों की बीमारी में मसूड़ों में सूजन और संक्रमण होता है। इसे मुंह के कैंसर, ग्रास नाली के कैंसर, अग्नाशय के कैंसर और पेट के कैंसर के बढ़ते रिस्क से जोड़ा गया है। मसूड़ों की बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम खून में प्रवेश करके शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकता है और संभावित रूप से शरीर में सूजन और कैंसर पैदा करने में योगदान दे सकता है। अध्ययन में पाया गया कि माउथ वॉश के बाद फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम और स्ट्रेप्टोकोकस एंगिनोसोरिस की मात्रा काफी बढ़ गई थी। फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम और स्ट्रेप्टोकोकस एंगिनोसोरिस विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से जुड़े महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम मसूड़ों की बीमारी में अहम भूमिका निभाता है और सूजन और ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देने के कारण इसे पेट के कैंसर से भी जोड़ा गया है। ये टिश्यू पर आक्रमण कर सकता है और शरीर के अंदरूनी सेहत को प्रभावित करता है। स्ट्रेप्टोकोकस एंगिनोसोरिस SSG का हिस्सा है, जो आमतौर पर मुंह और पाचन तंत्र में पाया जाता है। ये विशेष रूप से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में फोड़े और गंभीर संक्रमण पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये दोनों बैक्टीरिया मुंह की सेहत और शरीर की अन्य बीमारियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाते हैं, जो अच्छी मुंह की सफाई बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अच्छी मुंह की सफाई ना करना अक्सर धूम्रपान और ज्यादा शराब के सेवन जैसी अन्य रिस्क भरी आदतों से भी जुड़ा होता है। ये दोनों ही मुंह, गले और ग्रास नाली के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के लिए जाने माने रिस्क फैक्टर है। ये पदार्थ म्यूकोसोल परत को नुकसान पहुंचा सकता है और DNA म्यूटेशन को जन्म दे सकते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। रोजाना ब्रश करना, फ्लाशिंग और दांतों की जांच के माध्यम से अच्छी ओरल हेल्थ बनाए रखने से सूजन और बैक्टीरिया के भार को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे संभावित रूप से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कैंसर की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम है। तो गाइज, आज के वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।